पाकिस्तान में जारी हलचल के बीच लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखिए पाकिस्तान टॉप 9। पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान आज फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है। उनके घर को कल से ही सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इमरान पर घर में दहशतगर्दों को छिपाने का आरोप है। इमरान खान को शहबाज सरकार और सेना ने दो विकल्प दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले विकल्प में उनसे पाकिस्तान को छोड़कर देश से बाहर जाने को कहा गया, जबकि दूसरे में उन्हें देश में रहकर आर्मी एक्ट के तहत दर्ज केसेस का सामना करना होगा, जिनमें उन्हें सजा भी हो सकती है। इमरान ने ट्वीट कर एक बार फिर सरकार पर हमला किया। कहा, पाकिस्तान बदमाशों, अपराधियों और मूर्खों के कब्जे में है। सत्ता में बैठे लोग संघीय पार्टी को कुचलने में लगे हैं। उन्होंने लोगों से देर होने से पहले देश के लिए आवाज उठाने की अपील की। पाकिस्तान सेना के दावे पर TV9 ने बड़ा खुलासा किया। TV9 ने लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के घर का दौरा किया। सर्च ऑपरेशन में इमरान के घर में कोई आतंकी नहीं मिला, जबकि पाक सेना ने इमरान के घर में करीब 40 दहशतगर्दों के छिपे होने का दावा किया था। यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है। हम जो पंजाब की हुकूमत की तरफ से और खासकर इमरान खान साहब के ऊपर ये कहा जा रहा था कि 30 से 40 टेररिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। हम एक एक चीज ये देखिए, यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही। कोई वेपन, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा था। इमरान खान ने पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अल कादर ट्रस्ट में दिए नोटिस का जवाब दिया। इमरान ने कहा कि मैं अपनी फिजिकल कंडीशन के चलते पेश नहीं हो पा रहा। उन्होंने वकील के जरिए 20 सूत्रीय जवाब और दस्तावेज NAB को मुहैया कराए। इमरान खान ने पुलिस फायरिंग में घायल प्रदर्शनकारियों और 25 लोगों की मौत के मामले की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में पेट्रोल बॉम्ब फेंकने के बावजूद भी पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, जबकि हमारे यहां निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की पार्टी PTI के नेता शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का आदेश दिया है। कुरैशी को पिछले हफ्ते उस समय गिरफ्तार किया गया था जब इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। PTI नेता अमीन असलम ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा है कि वो अब इमरान खान के सेना विरोधी एजेंडे के साथ नहीं चल सकते हैं। खबर है कि अमीन के अलावा भी कई नेताओं ने अपने रास्ते इमरान खान से अलग करने का फैसला कर लिया है।